अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बिरयानी बनाने का मसाला। तो इस मसाले को आप बना के काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है, सिर्फ बिरयानी में यूज़ नहीं होता है। बहुत इजी है ये मसाला बनाना। तो ये हमने 50 ग्राम दालचीनी लिया है, दालचीनी का टुकड़ा इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। 2 टेबल स्पून इलायची और 2 टेबल स्पून लौंग है ये, और 15 से 20 फ्लावर जावित्री का, और ये हाफ जायफल लिया है। जायफल लें आप और इसको आधा कर लें, जायफल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, हाफ ही। 2 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और 2 टेबल स्पून काली मिर्च। अब ये सारी चीज़ों को पैन में डाल देंगे, चूल्हे को ऑन कर लेंगे। ज़ीरा, दालचीनी, जायफल, जावित्री का फूल, लौंग और ये छोटी इलायची। अब ये सारी चीज़ों को खुशबू आने तक भून लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है तो इसको मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, बिरयानी का मसाला पीस के रेडी है। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। आप स्टोर करके काफ़ी दिन तक इसको रख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ में आएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। बिरयानी के लिए सबसे बेस्ट है ये मसाला, होममेड, और बहुत सारी डिशेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के रख लीजिएगा। आप जितना फाइन पीसेंगे उतना अच्छा रहेगा, और ये बहुत आसानी से पिसा जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है पिसने में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें।